हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये सेमीकंडक्टर एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज का लेक्चर है 5। इसमें हम पढ़ेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों में आंसर हमें ऑलमोस्ट सेम ही देना है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी, फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, व्हाट डज इट सिग्निफाइज द प्लॉट, है ना, प्लॉट द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ई वर्सेस ई एट 0 केल्विन एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस प्लॉट। ठीक है, तीन तरीके के पार्टिकल होते हैं और तीन तरीके के पार्टिकल होते हैं तो तीन तरीके की स्टैटिक्स फॉलो करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक है बोस आइंस्टाइन, एक है फर्मी डिराक स्टैटिक। तो तीन तरीके के पार्टिकल तीन तरीके की स्टैटिक्स फॉलो कर रहे हैं और उसमें से हमें जो पढ़ना है वो फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो लेकिन बाकी पार्टिकल कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टिकल विच आर डिस्टिंग्विशेबल, जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड देयर वेव फंक्शन डू नॉट ओवरलैप, और उनका वेव फंक्शन ओवरलैप नहीं करता है। तो ऐसे कौन से पार्टिकल हो सकते हैं जो अलग अलग दूर दूर हैं, तभी तो उनका वेव फंक्शन ओवरलैप नहीं करेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या है, दूर दूर रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और उनका वेव फंक्शन भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता है। तो वो जो फॉलो करते हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फॉलो करते हैं। दूसरे तरीके के पार्टिकल होते हैं जो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता जिनको, उनकी स्पिन या तो जीरो होती है या इंटीजर होती है, और उनका जो वेव फंक्शन है वो भी ओवरलैप करता है, एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं। इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोजोन्स कहते हैं, और ये जो स्टैटिक्स फॉलो करते हैं बोस आइंस्टाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स फॉलो करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है फोटोन। फिर थर्ड तरीके के जो पार्टिकल हैं इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिनकी स्पिन हाफ होती है, और हम जानते हैं हाफ स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की होती है, इनको हम फर्मियॉन्स बोलते हैं, और ये जो फॉलो करते हैं ये फर्मी डिराक स्टैटिक फॉलो करते हैं या फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉलो करते हैं। और इसका जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e टू पावर e माइनस ef अपॉन kt, वेयर यस ef सर, क्या है, फर्मी एनर्जी है, ई e क्या फर्मी है, एनर्जी। हम बात कर रहे हैं, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है केल्विन में। ये प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फाइंड हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम विद द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई के बीच में एट टेम्परेचर टी, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल यूज करके फर्मी डिराक ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट किया था। चलिए तो चेंज कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में तो ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, जो लास्ट का लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सेम वही है, तो उसको लिखना नहीं है। तो क्या कहा, फर्मी फंक्शन एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी द स्टेट ऑफ गिवन ई इज ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन अंडर द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फॉर्म ऑफ फॉलोज फर्मी डिराक स्टैटिक्स, फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर या एक्सपोनेंशियल टू पावर ई माइनस ई एफ, और ये एफ जो है सफिक्स में है, अपॉन के टी, वेयर ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी है, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है कैलविन में, और ई जो है जिस स्टेट में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो एनर्जी लेवल है। तो अगर तो अभी इसको लिखना नहीं है, फिलहाल इसको समझना है। तो यहाँ पे तीन केस दिए हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। तो पहले जो दो केस हैं उसमें क्या कहा है कि ठीक है 0 केल्विन है, तो इसको मैं पहले यहाँ पे फंक्शन लिखती हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्मी फंक्शन क्या था हमारा, एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन ई नहीं लिख रही हूँ फिलहाल, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिख देती हूँ, एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो अगर मैं टी 0 ले रही हूँ तो नीचे वाली टर्म यहाँ पे 0 होगी,
प्लस वन, ठीक है। अभी कुछ बनाना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, समझना है कि ये ग्राफ कैसे आया। और इस ग्राफ में भी देखिए, यहाँ पे ये जीरो है और यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी के मिलने की कितनी हो सकती है, 100%, तो वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब ईईएफ से ज्यादा है और जब ईईएफ से कम है, अगर इसको ध्यान से देखो, ये नीचे जीरो है तो ये एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट तो बन रहा है ना। Yes, ma'am. अभी एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट माइनस इनफिनिटी है कि प्लस इनफिनिटी है, किस बात पे डिपेंड करेगा कि ईईएफ से ज्यादा है कि ईईएफ से कम है। तो पहले केस में जब ईईएफ से कम है तो उस केस में ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। जब ई जो है ईएफ से कम होगा तो ऊपर वाली टर्म नेगेटिव होगी, तो यानी कि ये माइनस इनफिनिटी बनेगा। और अगर ये मैं फर्स्ट केस की बात करूं, जब ई इज ग्रेटर देन ईएफ है, व्हेन ई इज ग्रेटर देन ईएफ, उस केस में ये प्लस इनफिनिटी बनेगी, ठीक है। तो ई माइनस इनफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है और ई प्लस इनफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और e टू पावर माइनस इनफिनिटी की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। अब yes, अगर मैं इसमें e की पावर माइनस इनफिनिटी की वैल्यू जीरो रखूं तो ये वन अपॉन वन हो जाएगा। यस मैम। वन अपॉन वन का मतलब है one. अगर मैं यहाँ पे फंक्शन रखूं, वन आएगी, ठीक है। e की पावर प्लस इनफिनिटी, यानी कि मैं इसको क्या रखूं, वन अपॉन इनफाइनाइट प्लस वन, तो वन अपॉन इनफाइनाइट में कुछ जोड़ेंगे तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, वन अपॉन इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है, तो यानी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो जीरो होगी। तो अब इसको हमने ड्रॉ करके दिखाया, जब ई लेस देन ई एफ है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी वन होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो ये दिख रही है, कब बना रहे हैं ये, हम टी इक्वल टू जीरो पे बना रहे हैं। जैसे इक्वल टू ई एफ होता है या इक्वल टू माइनस इनफिनिटी माइनस होता है, इससे ज्यादा होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम से ड्रॉप डाउन टू जीरो हो जाती है। तो यहाँ से एक हमारे पास दो डेफिनेशन आई, बल्कि तो इन दोनों केस के लिए। पहली डेफिनेशन क्या है, व्हेन ई इज लेस देन ई एफ, इसके लिए बता रही हूँ, वी कंक्लूड दैट ऑल क्वांटम लेवल्स विद एनर्जी लेस देन ई एफ, अगर ई एफ से कम है एनर्जी तो वो सारे स्टेट जो है ऑक्यूपाइड होंगे, किस पे, एट एब्सोल्यूट जीरो पे। तो फर्मी लेवल की एक डेफिनेशन यहाँ से ये आई, या प्रोबेबिलिटी वन हो जाती है जब एब्सोल्यूट जीरो होता है और एनर्जी ई एफ से कम होती है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ से ऊपर वाले से देखो, जब ई इज ग्रेटर देन ई एफ और टी इक्वल टू जीरो, तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट एनर्जी दैट ई एफ एट एब्सोल्यूट जीरो, प्रोबेबिलिटी जीरो जाती है। तो मतलब एट एब्सोल्यूट जीरो पे अगर फर्मी लेवल से ज्यादा एनर्जी के हम एनर्जी स्टेट्स की बात करें, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा, वो सारी स्टेट्स एम्प्टी होंगी। थर्ड केस है किसी और टेम्परेचर पे। अब किसी और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ टी होगा। अब वो टी कितना है डिपेंड कर रहा है कितना रखेंगे, लेकिन वो टी है, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन जीरो केल्विन, ई इक्वल टू ई एफ, अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, है ना। तो e की पावर जीरो हो गया। अब जीरो को किसी भी टर्म से डिवाइड कर लो, टेम्परेचर कितना भी रखो, e टू पावर जीरो ही रहेगा, है ना। और e टू पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन अपॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वन अपॉन वन प्लस वन, और वन प्लस वन का मतलब वन बाय टू, हाफ। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, तो मतलब किसी भी टेम्परेचर पे हम प्रोबेबिलिटी निकाले, अगर E इक्वल टू ई एफ है तो उस जगह हाफ ही आएगा। तो जो भी ग्राफ की शेप जा रही हो वो हमेशा यहाँ बीच वाले पॉइंट से, यानी कि 0.5 से, 0.5 से कट करती हुई जाएगी। तो यहाँ पे देखो दो टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट कर रखा है, एक T इक्वल टू 300 केल्विन पे कर रखा है, एक T इक्वल टू 2500 केल्विन पे कर रखा है, या कह सकते हो 2500 केल्विन पे या 2500 केल्विन, ठीक है। तो क्या दिखा रखा है, ग्राफ किसी भी जगह से जाए लेकिन यहाँ बीच में से कट करते हुए जरूर जाएगा।
दोनों पे दिखा रखा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये जो ग्राफ है इस साइड शिफ्ट होता जाएगा, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो इस रीजन में भी मिलने लगेगी। पहले जीरो पे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो थी, इससे आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था, किस पे, जीरो केल्विन पे। लेकिन अगर जीरो केल्विन से हम ऊपर की बात करेंगे, अब जीरो केल्विन से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इधर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं और इस ग्राफ को बना लेते हैं। तो ये ग्राफ यहाँ पे कोने में बना रखा है मैंने, इसको बना लेंगे और क्या लिखेंगे, एट जीरो केल्विन कंसीडर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, ई इज लेस देन ई एफ है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी जो है वन हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल क्वांटम लेवल विथ एनर्जी लेस देन ई एफ विल ऑक्यूपाइड एट एब्सोल्यूट जीरो। तो जीरो केल्विन पे फर्मी लेवल से नीचे के जितने भी लेवल हैं वो सारे फिल्ड होते हैं। जीरो केल्विन पे फर्मी लेवल से ऊपर के जितने भी लेवल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। तो हैंस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम स्टेट। तो सेकंड वाला केस इज व्हेन ई इज ग्रेटर देन ई एफ। तो हैंस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम स्टेट ग्रेटर देन ई एफ एट एब्सोल्यूट जीरो। हम तो यहाँ से एक फर्मी लेवल की क्या डेफिनेशन बन के आई, देयरफॉर फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द एनर्जी लेवल इन अ सॉलिड बिलो विच ऑल लेवल आर फिल्ड एंड अबव दिस ऑल लेवल आर एम्प्टी एट एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो पे फर्मी लेवल से नीचे के सारे लेवल्स फिल्ड होते हैं और उससे ऊपर के सारे एनर्जी लेवल्स एम्प्टी होते हैं। इट कैन बी नोटेड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी एक्सीडिंग ई एफ। This Fermi level is defined the maximum energy that electron, any electron can have at absolute zero. तो EF से ज़्यादा किसी electron की energy नहीं हो सकती है zero at absolute zero पे। तो मतलब ये maximum energy है जो electron रख सकता है। Third case है other than zero Kelvin, temperature हमने बढ़ा दिया, change कर दिया, तो E equal to EF पे probability half हो जाती है। दस हम यहाँ से फर्मी लेवल की एक डेफिनेशन यहाँ से और निकल के आई कि फर्मी लेवल में also be defined as the energy level for which probability of occupation is half for T is greater than zero Kelvin and E equal to EF। और अगर मैं temperature हम increase कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि probability इंक्रीज हो जा रही है, ईएफ से ऊपर लेवल पे भी हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं, है ना, उन लेवल पे भी ऑक्यूपाइड होती है। लेकिन एक चीज और है, टेम्परेचर को कितना बढ़ाया जाए। अगर हम टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, ये हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें, इफ टेम्परेचर बिकम इनफाइनाइट, टी टेंस टू इनफाइनाइट कर दें, तो उस केस में केटी वाली जो वैल्यू है वो ईएफ से ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना क्वांटम मैकेनिकल करेक्टर लूज कर देगा, जिसकी वजह से वो फर्मी ड्राक स्टैटिक्स को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि फर्मी ड्राक स्टैटिक्स जो है क्लासिकल थ्योरी में चेंज हो जाएगी। जो फर्मी ड्राक स्टैटिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए डिस्क्राइब की गई है। तो अगर T tends to infinite है तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकल करेक्टर को लूज कर देगा और फर्मी ड्राक जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, और जो भी प्रोबेबिलिटी के हम केस डिस्कस कर रहे हैं फिर वो चेंज हो जाएंगे। तो लेकिन वो हमें पढ़नी नहीं है मैक्सवेल वाली, तो इसलिए हम T tends to infinite की बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, बस इतना ही बना लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए कमेंट। Thank you.